हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को स्वर सुलेखन, ये देखिए स्वर सुलेखन, ये स्वर सुलेखन में करवाने जा रही हूँ बेटा। तो स्वर सुलेखन में आप लोगों का पेज नंबर 11 तक हो चुका है, ठीक है। पेज नंबर 11 तक हो चुका है बेटा। अब पेज नंबर आप 12 देखिए। पेज नंबर 12 में क्या है, बड़ी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। तो हमने आपको मात्रा, सारा मात्रा पढ़ा चुकी हूँ बेटा। तो बड़ी की मात्रा किधर से होती है, सब बड़ी की मात्रा ये जो वर्ण होते हैं, व्यंजन जो होते हैं, उसके ईस्ट साइड से लगती है। जैसे कि हम लगाएंगे क में बड़ी की मात्रा की। तो चलिए अभी हम देखते हैं, यहाँ पे फिगर के साथ साथ है। अब यहाँ पे देखो बेटा, सीढ़ी, तितली, घड़ी। अब जब ई की मात्रा होगी तो हम उसका उच्चारण क्या करेंगे, ई। जैसे सौ में ई सी, तो में ई ती, लो में ई ली, रो में ई री, टो में ई टी। अब यहाँ पे है सी अढ़ी, क्या पढ़ेंगे बेटा, सी ढी। यहाँ पे है तितली, घरी, सी टी। अब यहाँ पे क्या है, सी ढी। अब देखिए पहले यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हमें इसी पे चला चला के लिखना है। सौ में बड़ी की मात्रा, ढो में बड़ी की मात्रा, क्या हो गया, सी ढी। इसके बाद क्या है बेटा, तितली। तो में बड़ी की छोटी की मात्रा, तो लो में बड़ी की मात्रा, क्या हो गया बेटा, तितली। उसके बाद है घरी, खो रो में बड़ी की मात्रा, क्या हो गया, घरी। आप लोग इसको लिखते, लिखने के साथ साथ इसे आप लोग रीड भी कीजिएगा, जिससे कि आप लोग पढ़ने की अभ्यास भी हो बेटा। सौ में बड़ी की मात्रा, सी अट्टो में बड़ी की मात्रा, टी सी टी। अब एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिए, मैंने आपको जितना बार आपको ये राइटिंग बुक है, सुलेखन बुक में जितना बार भी मैंने आपको करवाया है बेटा, तो उसमें मैंने आपको ये चीज बताया है, जो इसमें 5 लाइन होती है हिंदी की, जो भी चाहे वो राइटिंग की बुक हो, चाहे वो नोटबुक हो, इसमें 5 लाइन होती है। 5 लाइन क्यों होती है, ऊपर के लाइन और नीचे की जो लाइन होती है बेटा, वो हमें मात्राओं के लिए छोड़ी जाती है, ठीक है। तो अब चलिए, अब हमको इसमें लिखना है, इसके सामने सामने लिखिए। आप पहले लाइन भी खींच सकते हैं, और वैसे भी आपको जैसे जैसे लिखने में सुविधा हो बेटा वैसे लिखिए। अब देखिए क्या है, स में बड़ी की मात्रा, सी यहाँ पे है ढी, ढ में बड़ी की मात्रा, क्या हो गया, सी ढी, देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद है तो में छोटी की मात्रा, तो लो में बड़ी की मात्रा, क्या पढ़ेंगे इसको बेटा, तितली। इसके बाद है घरी, घ रो में बड़ी की मात्रा, क्या हो जाएगा बेटा, घरी। उसके बाद है सीटी, सौ में बड़ी की मात्रा, टो में बड़ी की मात्रा, ये क्या हो जाएगा बेटा, सीटी। अब फिर से यहाँ चलिए, सौ में बड़ी की मात्रा, ढ में बड़ी की मात्रा, क्या हो जाएगा बेटा, सीढ़ी। अब यहाँ भी है तितली, तो में बड़ी छोटी की मात्रा, तो लो में बड़ी की मात्रा, तितली। फिर यहाँ पे घड़ी, घ रो में बड़ी की मात्रा, घड़ी। ओके बेटा, एकदम आप लोग जितना सुंदर से लिख सकते हैं राइटिंग, कोशिश कीजिए, उतना ही राइटिंग आपका बेहतर होगा, अच्छा होगा। सौ में बड़ी की मात्रा बेटा, टो में बड़ी, सौ में बड़ी सी टी, क्या हो गया, ये सी टी। अब लास्ट वाला लाइन बचा है बेटा, सौ में बड़ी की मात्रा, ढ में बड़ी की मात्रा, क्या हो गया, सी ढी। उसके बाद है बेटा तितली, तो में छोटी की मात्रा को हम क्या पढ़ेंगे, ती त ली, तितली। उसके बाद है बेटा घरी, घ रो में बड़ी की मात्रा, क्या हो जाएगा बेटा, घरी। उसके बाद है सी टी, सौ में बड़ी की मात्रा, टो में बड़ी की मात्रा, ये क्या हो गया बेटा, सी टी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में क्या है बेटा, अल मो में आ की मात्रा, मारी, अलमारी। हम इसको जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अलमारी। उसके बाद है दीपक, दो में बड़ी ई दी पक, दीपक। फ क में बड़ी की मात्रा, र फकीर। उसके बाद क्या है बेटा, लकड़ी, ल क र में बड़ी की मात्रा, री, लकड़ी। अब यहाँ पे भी वही पैटर्न है, पहले हम ये जो डॉट डॉट है उसको मिला के हम इसको अच्छा से अलमारी लिखेंगे, ठीक है। आप
मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग हम इससे भी अच्छा लिख सकते हैं बेटा। द, द में बड़ी की मात्रा, प, क, क्या हो गया बेटा, द में जब भी हम बड़ी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, दी, प, क, दीपक। फ, क में बड़ी की मात्रा, की, र, फकीर। उसके बाद है लकड़ी, ल, क, र में बड़ी की मात्रा, लरी, लकड़ी। ओके बेटा, अब उसके बाद हम आपको इसमें लिख के दिखाते हैं जिसे कैसे लिखेंगे। तो सेम वही पैटर्न है, अ, ल, म में आ की मात्रा बेटा, री, अलमारी। पहला वाला लाइन हम ऊपर, पहला वाला जो लाइन है ऊपर से उसको हम छोड़ दिए हैं और नीचे वाले। फिर यहाँ है बेटा दीपक, द में बड़ी की मात्रा, प, क, दीपक। ओके, उसके बाद है फकीर, फ, क में बड़ी ई की मात्रा, र, फकीर। उसके बाद है बेटा लकड़ी, ल, क, र में बड़ी ई की मात्रा, लकड़ी। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद फिर है बेटा अलमारी। क्या है यहाँ पे, वही अलमारी ही लिखना है मुझे। लाइन खींचिए, अ, ल, म में आ की मात्रा, री, अलमारी। नेक्स्ट है बेटा दीपक, द में बड़ी की मात्रा, प, क, दीपक। उसके बाद है फकीर, फ, क में बड़ी ई की मात्रा, र, फकीर। उसके बाद फिर है लकड़ी, फिर लिखिए ल, क, र में बड़ी ई की मात्रा, लकड़ी। ठीक है, उसके बाद फिर है बेटा यहाँ पे अलमारी, हमें फिर से लिखना है अलमारी, अ, ल, म में आ की मात्रा, र में बड़ी ई, अलमारी। द, द में बड़ी की मात्रा, प, क, दीपक। उसके बाद है बेटा फकीर, फ, क में बड़ी ई की मात्रा, र, क्या हो गया ये, फकीर। उसके बाद है बेटा लकड़ी, ल, क, र में बड़ी ई की मात्रा, लकड़ी। ठीक है, अब देखिए ये पूरा पूरा देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में। जहां जहां से है बेटा उसी के साइज, उसी के सामने सामने में मुझे करना है। तो चलिए, आप पहले यहाँ पे आप लोग डेट भी डाल दीजिए, पेज नंबर 12 में आज का क्या डेट है बेटा, आज का जो आज का डेट क्या है, आज है 27 नवंबर 2020। ओके, अब हम आपको नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट पेज नंबर 13 में बेटा। अब 13 में भी है, 13 में क्या है ये देखिए, 13 में क्या है बेटा, ग में बड़ी ई, गी, च में बड़ी ई, ची, म में बड़ी ई, मी, ठ में बड़ी ई, ठी, ल में बड़ी ई, ली, च में बड़ी ई, ची। क्या पढ़ेंगे हम, गीता, गीता, चा, ची, मी, ठी, ली, ची, लाई। गीता, चाची, मीठी, लीची, लाई। मीठी लीची किसने लाई, तो गीता, चाची, मीठी, लीची, लाई। सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही है बेटा, सबसे पहले हम इसको ऐसे लाइन जो डाउट है उसको मिलाएंगे, फिर ग को भी ये डाउट को मिलाएंगे, ग में बड़ी की मात्रा, ता, गीता। फिर है चाची, चो में आ की मात्रा, चो में बड़ी की मात्रा, चाची। फिर इसमें है मीठी, मी, ठ में बड़ी की मात्रा, क्या हो गया बेटा, मीठी। फिर है लीची, ल, ल में बड़ी की मात्रा, च, च में बड़ी की मात्रा, क्या हो गया बेटा, लीची। लाई, ल में आ की मात्रा, ई, लीची, लाई। ये क्या है बेटा, पूर्व विराम। जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं और सेंटेंस पूरा हो जाता है तो हम लोग ऐसे फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही जब हमारा हिंदी में वाक्य पूरा हो जाता है तो हम लोग पूर्व विराम लगाते हैं। ओके, अब हमें इसे लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे बेटा, सामने सामने ग, ग में बड़ी की मात्रा, गी, अत्ता, गीता। आप लोग लिखते टाइम पढ़िए भी, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने की आदत होगी बेटा, बुक पढ़ना आएगा। च, च में आ की मात्रा, ची, क्या हो गया, चाची। फिर है म, म में बड़ी की मात्रा, ठ, ठ में बड़ी की मात्रा, मीठी। फिर क्या है बेटा, ल, ल में बड़ी की मात्रा, च, च में बड़ी ई की मात्रा, क्या हो जाएगा, लीची। ल, आ की मात्रा, ई, लीची, लाई। ठीक है बेटा, फिर है
ग में बड़ी की मात्रा ता गीता, उसके बाद है च आ की मात्रा और ची चाची गीता चाची, मीठी म में बड़ी की मात्रा मीठी, लीची ल में बड़ी की मात्रा च में बड़ी की मात्रा, क्या हो गया बेटा लीची लाई ल आ की मात्रा और बड़ी क्या हो गया लाई, ठीक है। उसके बाद है फिर यहाँ पे ग, ग में बड़ी की मात्रा ता गीता चाची, चो में आ की मात्रा अच्छी गीता चाची, मो में बड़ी की मात्रा ठो में बड़ी की मात्रा मीठी, लो में बड़ी की मात्रा चो में बड़ी की मात्रा लीची लाई, क्या हो गया बेटा गीता चाची मीठी लीची लाई, ओके। अब उसके बाद है सौ में बड़ी ई की मात्रा सी अम्मा सीमा, तो में बड़ी ई की मात्रा ती अस तीस, दो में बड़ी ई की मात्रा दी प क दीपक, ख में छोटी ई खी र की खिड़की, पर पर सजा सजा सीमा तीस दीपक खिड़की पर सजा, ठीक है। अब उसको हम कैसे वही चीज को हम कैसे करेंगे बेटा, अभी मैंने आपको बताया है। अब देखिए यहाँ पे हम उसको भी ऐसे करेंगे, ये जो डॉट है उसको मिलाएंगे, उस सारे डॉट्स को मिला के हम अक्षर को जोड़ेंगे। सौ में बड़ी ई की मात्रा सी अम्मा सीमा, तो में बड़ी ई की मात्रा ती अस तीस, द द में बड़ी ई की मात्रा प क क्या हो जाएगा बेटा दीपक, उसके बाद है खिड़की, ख में बड़ी छोटी ई की मात्रा र, क में बड़ी ई की मात्रा क्या हो जाएगा बेटा खिड़की, प र पर खिड़की पर स अजा सजा, क्या हो गया इसको पूरा पढ़िए सीमा तीस दीपक खिड़की पर सजा। फिर यहाँ पे हमें वैसे ही लिखना है बेटा, सौ में बड़ी ई की मात्रा माँ सीमा, तो में बड़ी ई की मात्रा स तीस दीपक, दो में बड़ी ई की मात्रा प क दीपक, ख में बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा र, क में बड़ी ई की मात्रा खिड़की। यह जो रो है ये कौन सा रो है बेटा, बड़ा रो, एक छोटा रो होता है जो रो से रथ लिखते हैं, जैसे ये है प अर पर सजा स, जो में आ की मात्रा सजा, ओके। फिर उसके बाद है बेटा सीमा, स स में बड़ी ई की मात्रा म में आ की मात्रा सीमा, तो में बड़ी की मात्रा स तीस, दो में बड़ी की मात्रा प क दीपक तीस दीपक, ख में छोटी की मात्रा र, क में बड़ी की मात्रा खिड़की पर स अजा सजा, ठीक है। उसके बाद लास्ट लाइन है बेटा, लास्ट लाइन में भी हम वही लिखेंगे, स में बड़ी ई की मात्रा माँ सीमा, तो में बड़ी तो में छोटी बड़ी ई की मात्रा स तीस दीपक, दो में बड़ी ई की मात्रा प क दीपक खिड़की, ख ख में बड़ी की छोटी की मात्रा र, क में बड़ी की मात्रा खिड़की पर सजा स, जो में आ की मात्रा सजा, और ये हो गया पूर्विराम, जो कि हमारा सेंटेंस लास्ट होने के बाद हम लिखते हैं। तो क्या हो गया बेटा ये चैप्टर आपका चैप्टर 12 और 13 आपका कंप्लीट हो गया है। आप लोग एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, जिससे कि मैं आपको गुड दूं स्टार दूं, ठीक है बेटा। एक बार मैं रीड करके सुना देती हूँ, गीता चाची मीठी लीची लाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, सीमा तीस दीपक खिड़की पर सजा। तो चलिए अब आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का चैप्टर 14 और 15 पढ़ाऊंगी बेटा, ओके थैंक यू।